एक चंद राज सेवा है मंगते है जप नाम बैकुंठ को पाइए जी नल जन्मना बिनसार पाइए जी असी अपने सिर जीवन सफल करना है आई साडा जिहड़ा संसार दे विच आउण दा फायदा है ते मां लिखते है कि बैकुंठ ताल नूं पहुंचण वास्ते कई मंजिलां आउंदियां हन वो जो मंजिलां धरती तों किन्नियां दूर है मां लिखवा दिंदा है महालोक जिहड़ा है इस धरती तों 1 करोड़ योजन 29,53,000 किलोमीटर है इस लोक दे विच ओह रूहां जांदियां हन ये संसार दे विच अच्छे कर्म कीते हैं बुरे कर्म नहीं कीते हैं उस तो बाद जान लो ये 24 करोड़ किलोमीटर दूर है इतने जरा वास है ऋषि मुनि वास करते हैं और पुण्य आत्मा जड़ियाँ संसार दे विच अच्छे कर्म करके जाएंगियाँ उस तो बाद तपलोक है तपलोक 98 करोड़ किलोमीटर है तो साधु ऋषि मुनि सन्यासी लोग रहते हैं वो जड़े जीव संसार दी इच्छा छड़ के चाहते हैं तो लोग इतने आते हैं अग्नि देवता 20 देव लोग इस आते हैं 7 लोग जरा 47 करोड़ किलोमीटर दूर है उत्थे जो पहुँचना है उत्थे वही आत्मा जानी है जो निरंतर उसका प्रभु का सिमरन किया हो रहा है या गुणगान किया हो रहा है उस तो बाद बैकुंठ धाम जिते कि विष्णु महाराज खुजंदे है 32,21,39,769 किलोमीटर दूर है इस धरती तो लैके बैकुंठ धाम तक दूरी जी सी है 4 पदम 10 मील 40 अरब 3 अरब 15 करोड़ 78,447 किलोमीटर दूर है इतने जो पहुंचना है दसते हैं कि इस लोक को पहुंचने वास्ते 12 लख वर्ष लग जाते हैं तो बैकुंठ धाम उत्थे जिहड़ा पहुँचना मुश्किल है लेकिन महापुरुष दसदे हन कि सुरत और शब्द का मिलाप करके असीं उत्थे पहुँच सकते हैं तो स्वामी जी महाराज इसके प्रतीक शब्द लिखते हैं तो आओ सारा जप नाम बैकुंठ को पाए जी नर जन्म न व्यर्थ गवाए जी जप नाम बैकुंठ को पाए जी नर जन्म न व्यर्थ गवाए जी जप नाम बैकुंठ को मेरे तागो
जब नाम मैं कुंभ को पाए नरगन मना फिर तगाए जब नाम मैं कुंभ को पाए नरगन मना फिर तगाए गुरु जी की प्यारे सत्संग
बैकुंठ दी गुरु जी महाराज ने प्रवचन किए ने बैकुंठ धाम दे साडे सब तो सियारे नगरी दे साडे मातावां बड़ी दूरों चल के आईयां ने उन्हां दा प्यार भाव ज्यादा नहीं तो 90 साल से उन्होंने यादगार उपर हो गई है। दोने ये मातावां हुण आईयां ने दराणी ते जठाणी ने दोने इन्हां दा प्यार इन्हां दा मुहब्बत अज तक भी बहुत एक सानू देख के इन्ना मन प्रभावी हुंदा इन्हां तों कि बस इन्नी कृपा गुरु महाराज रखन सारे संगत ते इन्हां मातावां ते कि तंदुरुस्ती अपनी जिहड़ी रहमत ते महाराज सदा अपना हथ मेहर दा जीवन जिहड़ा इंसानी जामा भी है तंदुरुस्ती हसदा खेलदा ही अच्छा लगता है। तो साढ़े कर्मों के अनुसार अगर सानू कोई दुख भी आता है तो साढ़े ही कर्मों का है साढ़े ही इस सोच का जो फल हों साढ़े झोली च पैदा है। पर इतने सत्संग तो की प्राप्त होंगे कहते कर्म चंगा करो सोच चंकी रखिए कर्म चंगा हो भला कर्म करिए इंसानी जामे के बिल्कुल निजी फर्ज होंगे ने। सो माता आई असं इन्हों के चरणों से प्रणाम करते हैं। दूर दुराडे तो सारी संगत आई है हिमाचल तो पंजाब तो चलो जिन्हें संगत आई है ये तो गुरु चरणों के उन्होंने हाजरी लगती है इन्होंने लिए महाराज सारा कृपा दया दृष्टि रखन। सो जय गुरुदेव आओ साढ़े बसाला नगरी तो असं इन्होंने शब्द तो बाद तो गलबात करनी है जय गुरुदेव धन्यवाद। Oh,
Thank you.
चल सुर की संत गवा की पिछले प्रोग्राम से भी तीह दिन चलो जी औसत है ना एवरेज तीह दिन भी ला ली है तो जो तीह दिन का एक महीना बनता अंग्रेजी भी देसी भी चलो जितना है कुदरत बनाई हुई धरती के जो नियम है चल रहे ने पर बेनती अस ये की तीह दिन एक महीने की एवरेज ला ली है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੀਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਵੀਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਮ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਭਲੇ ਲਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਕਰਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਔਖੀ ਪੀੜ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
पर ये सारा परेशानी का जिहड़ा साडा मुक्त करन दा साधन एको ही है मेरे वीरियो कि साडा अच्छा कर्म होवे वर्तमान दे विच जिहड़ा हुण तुसीं वर्तमान दे विच बैठे हो ना साडा अच्छा कर्म वर्तमान दे विच हो जाए तो साडा आने वाला भविख बहुत ही सुनहरी वधिया बन जाता है जो बोले सोन रवै सतगुरु रविदास जी महाराज की जय ये बनाना कहना है तुहानूं रब ने बुद्ध सुध दित्ती है सारा कुछ बख्शिया इंसानी नामे में बड़िया चीज़ा रब ने फिट कीतियां काश तत्व भी दिता तुहानूं बख्शिया तां कि भले कर्मां नूं विवेक नूं विराग नूं प्रेम नूं तुसीं समझ सको श्रद्धा भावना तुसीं कर सको साडा जीवन इंसानी जिहड़ा क्योंकि जिहड़ियां घर दीआं गृहस्थियां इहनां दे विच उलझणां बड़ियां हुंदियां मन नूं चैन फिर शांति कदी नहीं मिलदी कोई ना कोई बोझ कोई ना कोई बोझ घर की गृहस्थियों में मन के उत्ते पिया ही रहा मन कभी वेला नहीं होंगे घर के इस करके गुरु जी ने असं शरण में आते हैं बाकी तुम बेनती की है कि भाई गुरु महाराज की बाणी सुन वास्ते तुम सारे प्रेरित करीदा ये भला कर्म है सुकृत कर्म है साड़ी ड्यूटी लगी संगत ने लाई है कि संगत को परमात्मा के नाम के नाल जोड़ना भले कर्मा नाल जोड़ना सिमरन के नाल जोड़ना ताकि साडा आने का कोई ना कोई मकसद पूरा हो सके अज तुसी देख रहे हो जिन्हें बड़े बड़े द्वार ने ते कोई मंदिर उत्ते रिधियां सिधियां हो रही हैं कोई किस तरह वरदान दे रहा कोई किस तरह वरदान दे रहा पर वीरो भैणो एक थोड़ा ध्यान रखियो तुसी बड़े बुद्धवान समझदार हो अपने कर्म किए हुए का ही साड़ी झोली च परमात्मा ने पाना है जे असं घर बैठे बिठाए ये मंगी जाइए ना कि सारा दुनिया का धन सानू आ जाए साड़ी सोच यह गलत है साड़ी संगत भी गलत है इस करके बेनती है जो तुसी कर्म करोगे परमात्मा कभी भी नहीं रखता कर्म जदोरी नानक ना रखे भगवान जिस तरह भी तुसी करोगे तुहाडे पले झोली परमात्मा पाएगा अगर भले कर्म ने कर्म करोगे नाम परमात्मा का सिमर दान पुन करोगे दया करोगे तो ईश्वर सब जानता है क्योंकि घट घट के वासी है सब के बैठा सब कुछ ही जानता है उत्ते तुसी बोलो भी ना तो भी सब कुछ जानता पहचानता है सानू ज्ञान की बख्शिश लैन वास्ते ये समझ वास्ते बुद्ध सुन दी सारे जो गुरु जी ने सानू ज्ञान दिता सानू बख्शिश की समझ वास्ते गुरु के द्वारा आने हाँ अस भजन बनके करना किस तरह करना कई मेरे वीर भैन भरा नामदान तो लै लेंगे ने चलो ये विचार करते कि असी भी नामदान नहीं है लेकिन नामदान के बारे बड़ा कुछ अगे भी उन्हें बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने ज्ञान तो बगैर विचार तो बगैर समझ तो बगैर नाम भी नहीं जप सकते असी अगर साढ़े कोई ज्ञान है गुरु ने जो दसिया नाम कि जपना किस तरह बैठना की वो मर्यादा है कि युक्ति है कि तरीके ने कई कुछ साथ चलता है प्रेम विराग जिसनों नाम जपण के ना सत्संग सुनने विराग नहीं ना होया वो समझ लो भगती अधूरी है विवेक विराग जिहड़े ये भगती के नाल बिल्कुल चलते हैं क्योंकि भगती जिहड़ी है विवेक विराग तो विवेक की माँ है जिहड़ा ज्ञान है यह है पिता इस करके इन्हों का क्योंकि यह सारा उल्टा ज्ञान है गुरु कबीर साहब जी ने लिखा है कि देखिए अज भी तमाशा जल को अगर लग जाए गुंगा छत्ती से राग गावे बोला सुन सुख पाए अंधला पिंगला नाच करे सुख देवा अंधला देख मुस्काए भली पनिहारे उड़द कुआं बिन लज्जो जल आए शब्द होवे शब्द पहचाने मूर्ख जनों गुआवे आग कहे मैं पाले ठर गए जल कहे मैं प्यासा कहर कबीर सुनो भाई साधो ये सारा देखिया मैं उल्ट तमाशा क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति करने वास्ते जे कोई बुरे कर्मों का इंसान जुड़िया जुट गया माड़ी संगत कर ली वो इधर ना मन लग गया क्योंकि जिधर ला लीए ना उधर लग जाता है जिमें बच्चा ना उन्होंने शिक्षा जिमें देिए तिमें ही उधर लग जाता है इस करके अगर ये अच्छे बुरे कर्म करता करता कि संगत अच्छी कर ली सत्संग बैठा गुरु ज्ञान प्राप्त कर लिया बुरे कर्मों को चंगे वल लग गया ना तो फिर भगती करना शुरू कर दी बंदगी करनी शुरू करते कहते लोहे तो सोना बन जाता है तो जे फिर अच्छा कर्मों को इंसान होकर बुरे कर्मों में जुट गया उन्होंने कहते सोने तो लोहा भी बन जाता है इस करके संगत ही सब तो बड़ी श्रेष्ठ है अगर संगत अच्छी करिए भली संगत करिए सिमरन की कमाई करिए बंदगी करिए तो जे 28 दिन करते हैं एक दिन सत्संग बैठ के चित लाओगे गुरु चरणों के बैठ के भजन बंदगी चित लाओगे तो 28 दिन भी सफल हो जाएंगे जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास जी महाराज की जय असं तुम कोई नहीं कहते
रप मारते हैं या फ्रॉड मारते हैं, तो कर्म किया साढ़े थोड़े साड़ी झोली में पैदा है। ये बेनती जरूर प्रवान करो अगे तो अगर संगत जी हम आके वध करके आ करो। अच्छी सारे नंबर फोन नंबर भी देकर जाए जिन्होंने नंबर होंगे असं कर दे रहे हैं, पर जिन्हों के नहीं होंगे उन्होंने कह देगा कि मेरे भैनों वीरों भरावो तुम संगत है, गुरु की संगत है, तुरंत पहुँच की संगत है, तुम सारा सेवा कराया करो, एक दूसरे को कह दिया करो। एक तीन दिनों में एक दिन जरूर कर लिया करो, सारे के भले लिए है, साढ़े भी थोड़े भी जोड़ा भी सुनता उसके भले लिए है। ये पता उदों लगना जो कुछ किया ना ना हो जम गुरझा मार के लैके जाते हैं, फिर चारा कोई नहीं चलता। पर जड़ी आत्मा गुरु के चरण च चली गई, जिहड़े संतां दी शरण चली गई, वह जमा के नाल कभी भी उहदा वास्ता नहीं, जमा तो मुक्त हो जाती, क्योंकि प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत भी छड़ जाए। पर जे इंसान चलेगा आत्मा नूं रब दे नाल जोड़ेगा, क्योंकि आत्मा अंश परमात्मा दी संगत तो बिना भी नहीं जुड़ती। ਇਹ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਮਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਉਲਟੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਸਿੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤਲੀਮ ਸਿੱਖਣੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ। अगर सुनेगा बंदे दे अंदर प्यार भावना वधेगी, अगे ते अगे भजन बंदगी दे नाल चित करेगा, जुड़ेगा, विराग पेगा, प्रेम होगा। इस करके तुहानू सारे बेनती कीती है, सो आओ गुरु प्यारे साध संग महाराज दा प्रसंग तुसीं सरवण करना, सहिब सतगुरु रविदास महाराज जी दा। सो आओ गुरु महाराज दी बाणी नाल सारे जुड़िए। एक बजे तक समाप्ति कर देणी, उस तों बाद लंगर भी तैयार हो जाणा। तो सारे संगत नूं गज के आखो फतेह बुला वजो, बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास जी महाराज जी। डोरी सरवण कीते शायद कई समझ आई, कई नहीं भी आई, क्योंकि इतनी बारी पहली बारी दसा के नाल इतनी जल्दी समझ नहीं आती। हुण तुहानूं असीं दो मिनट चंद मिनट असीं तां कि असीं कि आवाज़ साडी दीवान दे विच होनी चाहीदी है, तां कि उधर संगत उधर भी बैठी है, तां कोई दस्तर तो कोई परेशान ना होए, उन्हां दा भी चित बाणी च लग्गिया रहे। तो तुसीं भी अपना चित बाणी च ला के बैठो, तुहाडे तक आवाज़ सीमित होवे, बाहर ना किते वी जाए। सो इस करके क्योंकि सोचना विचारना इंसान दा फर्ज है, सो इस करके गुरु जी दी महाराज दी बाणी तुसीं सरवण करोगे, विकुंठ धाम दे तुसीं वचन सरवण कीते कि विकुंठ है कित्थे है। हाँ जी सात संघ ध्यान थोड़ा है चित्त नहीं इधर, बस इन्नी बेनती करनी है कि तुम बस अद्धा घंटा ज पौना घंटा चित रखना गुरबाणी से, तुम दूरों चल के आयो कि तुम लाभ भी हो, फायदा भी होगा, कोई फायदा नहीं जो ना चित रखा इतने का। फिर साहब गुरु नानक देव साहब जी, गुरु कबीर साहब जी महाराज, सतगुरु रविदास महाराज जी, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी से दर्ज है, बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੂਹਾਂ ਵਿਕੁੰਠ ਬੇਗਮਪੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ,
बुरे कर्मों को हटा के परमात्मा के नाल अच्छे कर्मों का जोड़ना कितने आसान नहीं, क्योंकि दुनिया काल के चक्कर में है संसार च। अबला तो मन का कोई नहीं गा, मन का नहीं जितना मर्जी समझाई हो। अगर तुम 100 दिन 99 दिन सत्संग सुन लो, 99 दिन सत्संग सुनते रहो, नेत्र मीट के बैठे रहो, पूरा चित ला के बैठे रहो, अच्छे बचन श्रवण करते रहो, अच्छे कर्म का सत्संग का तो बुरे बुरी गल का कितना असर होता है। अगर तुम 99 दिन सत्संग बैठ के सुनते रहो, कि 100वें दिन एक भी गलत कितने गल आउट वाउट हो गई, गलत हो गई, तो सारे ने 99 दिन भुल जाने हैं, तो जी एक गल गलत होगी उसको सारे एकदम चेते आ जाने, सारे याद आती, वह भुलने नहीं करी। इस करके क्योंकि जिन्हें इस दुनिया में काल के चक्कर में आके उसी गल का असर होंगे, उन्हें अच्छी गल का नहीं होंगे। तो गुरु महाराज बाणी च लिखते हैं कि चेतन को कितने समझा बिठा कभी आसान नहीं। गुरुआं की मेहर हुई, गुरुआं की कृपा हुई, सतगुरु रविदास महाराज जी, गुरु नानक देव जी, साहब कबीर महाराज जी, स्वामी ईश्वरदास महाराज जी, जिन्होंने इतना भ्रमण करके संगत को परमात्मा ने जोड़िया, उन्होंने भले कर्म किए, सानू भी दस के गए ने, कहते भले लोग पहले कर्म भला करिए, सोच अच्छी रखिए, जीवन के उत्ते दया करिए, भले कर्म करिए, दान पुण करिए, मेहनत की कमाई खाइए, हाथ हलाल खाइए, साढ़े लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साढ़ा लिखा जोखा नहीं कोई रहता, किसी की निंदा चुगली करांगे तो उस दे नाल की है, कहते जो जिदा असं कपड़ा धोने तो ना वस्त्र मैल के चकनी, कहते जिसने निंदा, इस करके निंदा नहीं जाना। आओ गुरु नानक देव साहब जी महाराज फरमान, गुरु रविदास महाराज जी, कबीर महाराज के जो वचन विकुंठते ने, जो विकुंठ की गल सरवण की है, तुम वह सुना लगे, बड़े ध्यान सरवण करना जी। आप उब सुखे हो
आनूप सब सुबह हो कलगी तरजी काज अमीर गरीब एक सम होए ये सच का बलेगा खालसा नाम तो खालस है वो तो कलगी धर जी का नाम खालसा नाम खालस वो तो कलगी धर जी का नाम अब वो मौसम आ मुल्क मुल्क संग्राम नेक नक कलगी धर जी आ रहे डंका बजाए गोगरी बिनती पालना करवे जात पात को डाले कुरान मुसीत तीर्थ दौर जोए ना रहे पछमो दखन जावसी चढ़ती तरफ पुन होशियार पन नदी जो आनंद गे हर मंदर फिर जान पन रविदास सुत शकर के गरीब जनता कल्याण पन रविदास कोहर गरीब जनता बोलो ईश्वर के भजन की जय जो बोले सो निर्भय सतगुरु का सुभाग की सो गुरु प्यारी सात संगत वैकुंठ की गल सरवण कीती है वैकुंठ कहना ही आसान है जेड़ा जीवत इंसान इस दुनिया में जीवत ही मर गया गुरु के शब्द के नाल जीवत ही बूंद जल दे सागर में जल्दी मिल गई सतगुरु जी लिखते ने वो रूहां वैकुंठ दियां होंदियां ने पर कुछ असी कर्म माड़ा ते कुछ चंगा जदों असी करदे हैं तो फिर साढ़े जन्म होंदे ने कहना आसान है वैकुंठ नूं जाना लेकिन कार बड़ी कठिन है कार कठिन एदां कितने संगत गुरु की करनी पैंदी है तां जाके किते अपना आप तन मन गुरु नूं निशावर कर देना तां जाके किते वैकुंठ दी प्राप्ति हुंदी है जद तक जीवत मरना नहीं जाणिया इस इंसान ने गुरु नूं तन मन तन निशावर कीता ही नहीं पर अज की हो रहा तुसीं जाणदे हो अज ते असीं गुरुआं नाल रब दे नाल वेतना धोखे घड़ियां इंसान शैतानी विच आके कर रहे ये हो रहा जो तुम देख रहे हो कई बार हो रहा इंसान तकड़ी फड़ के तोल जानके तोल पूरा नहीं तोलता फिर सच दे नाल भी घट है झूठ दे नाल ज्यादा जिहड़ा व्यापार बिजनेस है झूठ दा तो जे सच दा व्यापार करना वो किहड़ा कहिंदे नाम दा जिवें श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज ने सच दा व्यापार कीता सी बाबा कालू जी महाराज ने 20 रुपये उस वेले बहुत होंदे सी जिस वेले 20 रुपये दिते सी कि जाओ नानक जाके सच दा सौदा करो क्योंकि साधु संत गुरु महाराज जी रहमत उन्हां दी बंदगी जिहड़ी सी लेखां च कुदरती धुरों रूहां आईआं हुण घर दे ते परिवार कहिंदा सी कि जाओ 20 रुपये लै के सच्चा सौदा करके आओ पर गुरु नानक जी ने सच्चा सौदा साडे लई तां सच्चा सौदा इह है
कि असी चलो मेहनत करके घर धन परिवार लिया के असी कुछ थोड़ा बहुत घर के सीधा लियाने बनाने रोटी पानी भोजन छकने कई किस्म के खर्चे घर होंगे बच्चों विद्या पढ़ाने स्कूल के कपड़े लत्ते की लोड़ पैंदी है सारा कुछ असं घर करते हैं पर यह साडा यह सौदा है घर के मेहनत करके बहरों घर के लिया के असं खा पीने रात कटते सवेर फिर असं काम करा तो निकल जाते साडा सौदा यह है कर्म का लेकिन गुरुआ ने सच्चा सौदा यह समझा है गुरु नानक देव जी ने कि मैं सच्चा सौदा मैं घर के परिवार ने माता पिता ने सच्चा सौदा करने वास्ते 20 रुपए दिते पर यह सच्चा सौदा दुनिया च है कि कहते नाम तो दान तो बगैर दुनिया के सारे सौदे झूठे नहीं तो तुम आप सारे देख लो सारी जिंदगी बंदा मोह माया च कमाउन लगा रहिंदा घर के परिवार को बच्चों सारे अपने सहूलतों सारा कुछ मेहनत करता गर्मियों के कई बच्चे बाहर देशों विदेशों गए हुए हैं उन्होंने उत्ते भी चिंता रहती है इंसान की जे बच्चा कोई बाहर गया तो माँ बाप की चिंता ही रहती मेरा बच्चा सुखी बसे मेरे बच्चे बाहर कोई अजा ना लगे बाल बेंगा ना हो उसकी कमाइया च बरकत करे माँ सोचती है सारा परिवार सोचता है पर साहब गुरु महाराज लिखते हैं कि साढ़े व्यापार बारे ने यह जो व्यापार गुरु महाराज के नाम का सिमरन का व्यापार इस तो बड़ा दुनिया च कोई व्यापार नहीं पर जे असं गृहस्थी रेंदे हुए भी अपने दसाना की कमाई बच्चों ज्यादा नहीं तो कोई दो छिलड़े सही पर जो असं वादा करके आए ना रब के नाल जो गर्भ के नौ महीने माता के गर्भ के रहे वादा किया कि परमात्मा कितनी मुसीबत सी उस वेले कितने दुखा ची जिथे ना खाधा पीता भोजन इतनी पेट में अग्नि है जिथे खाधा पीता हुआ भोजन दो चौ घंटिया ही सारा ही अग्नि जाल दी है जल वखरा होंदा ते कचरा वखरा हो जाता साढ़े पेट में सिस्टम ईश्वर ने बनाया लीवर बनाता जो असी खाने पीने पचेगा पर सारा कुछ होने के बावजूद भी कुदरत ने सिस्टम नेम बनाया कहते इतनी अग्नि पेट में है जो बच्चा पलता नौ महीने कितनिया तकलीफों दुखा गंध दे उसका मुख हों उस वे अर्जोइया करता है ईश्वर कृपा कर मेरे दुनियादारी के लिया बाहर लिया मैं तेरा दसवंध भी करा तो तेरे नाम का सिमरन भी करा भगती करा बड़े वादे किए इस करके गुरु महाराज की बाणी तुम सुनते हो आओ एक आसा की वार जो महाराज ने लिखे प्रभात चाक श्री गुरु आदि प्रकाश महाराज के आओ सरवण करिए सारी संगत को जय गुरुदेव धन गुरुदेव साढ़े जन्म तो लाके माँ के गर्भ तो लाके एंड तक गुरु महाराज जी सानू उस शब्द के लैके जाते हैं प्रभात जाप के एक शब्द लिखिया आओ तुम सरवण करिए कि साढ़े जीवन लिए गुरु महाराज ने की प्रेरित किया की लिखते हैं साढ़े जीवन का हाल लिखते हैं घर के पास ले तू मांस माहे आए चौरासी कहते ने चौरासी लख जोना चो ये इंसान भी चौरासी लख जोना का ही सरदार है ये भ्रमण करता करता जोना चो अनेक चो फिर इस मानस नहीं मिले श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी चिंत दर्ज है वही प्राप्त मनक दहोरिया गोविंद मिलन के हो चले वरिया अबर काज न तेरे किसी भी काम में साध संगत पद केवल नाम सब नाम के उत्ते मोर लाउंदे ने संत महात्मा पर साहिब जी लिखते ने जब माँ के गर्भ के नौ महीने ये तेरी दिशा तेरा हाल से पर जोइया करता से पुट्ठा करके लटकया होया सी माँ के पेट में अग्नि इतनी सी जोइया करता उस अग्नि के पलिया नौ महीने ते फिर नौ महीने बाद गुरु का हुक्म होया ते संसार आया साहब लिखते ने कि चौरासी घर के बास लेके फिर मानस माहे आया गर्भ बास कर तो अर्जोया तब तेरा नाम पजो जन्मया दूध है ते तुम लाख ते मात गो प्रभात भगत उठो बन जननी ने शेर सूत
ਇੱਕ ਮਾਹੇ ਰਿਹਾ ਪਨੂਦਾ ਸੋਤਕ ਮਾਹੇ ਰਿਹਾ ਪਨੂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਪਿਪਲ ਕਰਾ ਬਰਸ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਰਸ ਦੂਸਰਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਸ ਦੂਸਰਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਰੋਣਾ ਰੁਸਣਾ ਬਰਸ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤੇ ਮੁਖੇਲ ਨੇ ਸਗਲ ਪਤਿਆ ਮਾਤ ਤਾਤ ਪਰਾਤ ਪਛਾਣੇ ਤੂੰ ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰਸ ਤੀਸਰੇ ਬਾਲ ਤੂੰ ਖੇਲ ਖੇਲ ਬਾਲ ਉਮਰਿਓ ਬੀਤ ਗਈ ਤੁਚੇ ਦਿਸਣਾ ਗੁਰਾਇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਬਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਬਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਤੇ ਗਰਮ ਅਕਰਾਰ ਉਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਰਸ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਬਰਸ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੋਣ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਉਂ ਲਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿਉਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰੋਮ ਪ੍ਰਲਾਦ ਜਨਮ ਤਨ ਹਸ਼ਮੇ ਸਾਲ ਪੜਨ ਬੈਠਾ ਲਿਓ ਕਲੇ ਤਾਦ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਪੜਤ ਕੁਛ ਖੇਲ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਦਵੇ ਦਸ ਕਹਾਇਆ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵੇ ਦਸ ਕਹਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਸ ਬਾਰਮੀ ਤੇ ਖੋਰਸ ਗਬਰੂ ਬਣਾਇਆ ਖੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਖੋਰਸ ਗਬਰੂ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜ ਠਗਾਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜ ਠਗਾਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੋਹ ਵਿਆਰ ਜਗ ਮਾਇਆ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਸਾਖਤ ਬਣਿਆ ਭਲੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਚਾਰਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਮਨ ਮੁਖੋ ਮੁਗਦ ਕੇ ਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਸਰਬਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਸਰਬਨ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾਮ ਗਬਰੂ ਗਮਰੂਰ ਗਿਆ ਗਬਰੂ ਹੋਇਆ ਗਮਰੂਰ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਾਬੂ ਰਖਾ ਮਾਤ ਸਪਨਾ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾੜੇ ਸੰਗ ਪਰ ਸਰਦਾਰ
साहब जी बहुत बड़ी वड्याई कहिंदे सतगुरु साहब जी ने मौका दिता है हले भी तेरे भाग चंगे ने हले भी सुधर जा हले भी मुड़िया कई बार कहते ना कि मच्छी पत्थर चट के मुड़ती है मुख बना के पिछे मुड़ती जड़ी उल्टी कर्मां दे विच भरमां दे विच पै के लालचां दे विच पै के अपना जीवन नष्ट करती ना जब पत्थर दे विच मूंह लगता तो फिर मुड़ती जदों चोट लगती है साहब लिखते ने पर वह मौके नूं जरूरी लैके आना कि जे तू दुख विच पै के फिर मुड़ के आएगा पिछे नूं याद करेगा रब नूं कहिंदे जे पहले कर लेवेंगा पर आ जिहड़ा कर्म तुसीं बैठे हो ना सत्संग दे विच ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਹਜੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਮ ਜਿਤ ਭਲੇ ਤੇਰੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਇ ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨਾ I Yeah.
कबीर साहब जी ने प्रमाण किया अरविंद तो कि भगवान मलावा वेख के बहे कबीरा रोए जो सुख से सतसंग में सो वैकुंठ भी नहीं होए। देखो तो कितने बड़ी सत्संग दी उन्होंने पावर दसी है कि इस धरती दे उत्ते राजा जनक वर्गे भी आके जिन्होंने राजे सी राजे कहिंदे प्रजा नूं सुख देना ते उस नूं राजा सच्चा कहा जांदा, जे प्रजा नूं दुख देण ते राजा ने पापी कहाया जांदा। साहिब जी लिखते ने कि राजा जनक जैसे हरिचंद जैसे दुनिया के धर्मी राजे आए ने, यह कोई छोटी मोटी गल नहीं। कहिंदे कितने कुंड 18 कुंड नरकों के बिचों जीव हाय करलाउंदे तड़फदे बुरा हाल सी जिन्हां नूं कई समां बीत गया सी, पर राजा जनक जी महाराज दी इतनी भगती इतनी वंदगी सी सतसंग दी पावर दसी है राजा जनक जी दे बारे कि अष्टावक्र दे पास बैठे सी अष्टावक्र गुरु सन राजा जनक जी दे। राजा जनक जी महाराज दे गुरु कौन सी? अष्टावक्र जी। सात संगत नूं पुछदे आ कि राजा जनक जी दे कौन सी गुरु? राजा अष्टावक्र जी। याद भी रखीदा, इस करके सहर महाराज दसते ने कि अष्टावक्र दा नाम क्यों रखिया सी, अष्टावक्र क्यों रखिया सी। अष्टा जिहड़ा नाम सी ना, अष्ट कहिंदे अठ, ते बकर कहिंदे ने बकरे जैसा मुख सी। तुसीं बकरे दा मुख देखिया, बकरी दा किदां दा हुंदा है? अष्ट कहिंदे अठ, अठ बल उस इंसानी सी, इंसान बंदा सी, लेकिन बंदा बंदगी करके कित्थे पहुंच गया। जब उस शरीर नूं अठ वल पैंदी सी, जब तुर लगदा सी, मुख बकरे जैसा सी, तन कसुबला सी, कोई ऐनु तुर लग्गिया ना जंग इधर निकल जांदी सी, बाजू इधर निकल जांदा सी, लक किसे पासे निकल जांदे। कहिंदे अठ वल पैंदे सी जद तुरदे सन अष्टावक्र जी, पर अंदर नाम दी जोत ज्ञान विराग इतना सी भरपूर सागर सी जो बोले सो निर्भय सतगुरु दास। हुण परमात्मा दी बंदगी करन वास्ते तन काला सुगला सुंदर देखिया जांदा, इह ते इंसान है, मानस है। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਨਸ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਸੁੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਅਜਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਬਤ 32,000 ਯੋਜਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵਿਕੁੰਠ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਿਕੁੰਠ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਵਿਕੁੰਠ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕੁੰਠ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਮਨ ਕੀ ਮਾਇਆ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਮਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਪਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਢਾਹ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਧੋਬੀ ਪੂਰੇ ਦਾਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧੋਬੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਚੋਲੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਜਲ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ
इतनी मैल है कि संसार दे विच दुनिया विच परमा कर्मां दे विच आए असी बुरे कर्मां दे लिपट के इतनी मैल चढ़ गई कि असी उस मन नूं भी साडे नूं कोड़ी करदा उस मैल दे होश ही नहीं बेहोश हो गए कोई सुरते ही नहीं कि असी आए किस लई सी की करना सी कहिंदे जो करना सी कर्म नाम का हाथ आनी होर कारना हीरा नाम गोविंद का छड़ के अपर झूठा पसारना सिवरन 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 कर रहे सिवरन वर्गा कोई व्यापार ना उस वक्त तेन पता जो लागे जब आल जमाने मारना तो जब जम गुरजा मारने वाले बेगी करेगा तू जब आन जमाने मारना कहते भाव सिंध में जहाज तेरा जो इस तन का शरीर का अटकिया जमदा ते मरना कहते गुरु तो बिना भोगना है पारना गुरु के बेड़े में बैठ जा कहते गुरु का बेड़ा कितने का कहते शब्द का बेड़ा बेकुंठ दाए नाम का जहाज बेकुंठ दाए इसीलिए गुरु नानक जी महाराज ने फरमान किया नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जड़ा गुरु जी के जहाज में बैठ जाएगी आत्मा रूप कभी भी उसका जड़ के धोखे घड़ियां जमा के नाल कोई वास्ता नहीं होएगा वह कितने पहुंचेगी कहते बेकुंठ को कोई जमा का मतलब नहीं है जम के लैन आते हैं गुरु जी लिखते हैं जम जिंदड़ी लैन आ गया गुरजा मार डराते ने कास्ट दे के कहते दुख दे के इस देहरी कट ले कास्टा कहते गुरजा कहते लैके आने संगल क्यों ना लैके आने जम पर देखता कौन है कहते जिन्हें जाना हो जिन्हों लैके जाना होने दे देने बाकी सारा घर का परिवार बैठा हुआ उन्होंने कोई पता नहीं कि बापू सा तकलीफ है मंजे तो गिट गिट उल रहा जब कोई भी प्राणी है मंजे तो उलरता दुख मना तकलीफ मना कष्टा बखिया गुरजा बजे किया कुछ नहीं घर की बो माया सारी जिंदगी खुभ्या रहा धन कमा रहा पर इस करके परमात्मा की बंदगी गल घड़ी भी नहीं कभी सिमर ने किया साधु की संगत ने की फिर की कहते लास्ट में गुरजा पैनी है फिर गुरु जी लिखते ने कि काश तो देख के इस देहरी देहरी कहते शरीर देहरे कट ले कहते रूह आत्मा पारे की तरह बिच शरीर दे रमी पई है निकल चित करना किसी का फिर कहते ने इस रूह को कटन वास्ते इस देह दे विचो जम गुरजा मार के कष्ट दुख दे के तरला तिहाई करती है की लिखते ने अगे महाराज कष्ट दे के थोड़ा ध्यान दो बच्चों थोड़ा चुप कराओ थोड़ा सुर पैदा से थोड़ी देर तक समाप्ति करना भी थोड़ा बहुत धन्यवाद तुम गुरु महाराज के समझ बैठे हो साहब लिखते ने कि उस वेले जब कष्ट हुई देरी इस देहरे विच जम गुरजा मार के गल विच संगल पाया वड्डा सारा गुरज हाथ विच फड़ी है कहिंदे जे रूह आत्मा निकले ना छेती तो फिर बखियां विच गुरजा मार के मखी में गुरज मार के दुख देंगे ने कष्ट देंगे ने इतने कष्ट दे देंगे ने कर कहते जी आत्मा इस मजबूर हो जाती इस तरीके चो निकल वास्ते जो बोले सो निर्वै सतगुरु रविदास जी महाराज की जाए क्या यह दिन देखना चाहते इंसान बन के दुख देखना चाहते इंसान बन के इंसान इसी दुखा चो मुक्त होने वास्ते जन्म मिले तो जे मुड़ के फिर उही जम संगल गल दे विच पै गया तो लाण तो साढ़े इस दही दे मानस दही पा के आते दुनियादारी में कबीर साहब जी लिखते हैं कहते तिरग तिर तिर तिरग जीवना तिरग कहते सब लड़ तो बेक धन बनती है कबीर साहब जी की लिखते हैं तिरग तिरग तेरा तिरग जीवना जो नाम की लगी कोई तार ना उस वक्त तेन पता जो लागे जब आन जमाने मारना कहते भव सिंध में तेरा जहाज अट गया गुरु तो बिना होना पारना कह कबीर जो उपराले किए ने भले कर्मा के स्वामी सरदास महाराज ने 28-30 साल की घोड़ तपस्या की है बड़ी मेहनत है सौखी नहीं करनी किते 28-30 साल असीं तुहानूं अज दस भी दिंदे कि कई मन च होना भी पता नहीं ग्रंथ कहदा बनाता है क्यों बनाया साढ़े लिए एक फर्ज किया ग्रंथ अज का नहीं है ये 1932 पास हो गया सी तुसी लाओ जी 1932 साल नूं अज किन्ने साल हो गए 1932 साइमन कमीशन जिहड़ा सी आया सी लाहौर में जब साडा यह सारा इकट्ठा ही सिलसिला पाकिस्तान ते हिंदुस्तान एको ही सी साइमन कमीशन जिहड़ा सी लाहौर में आया सी उसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महाराज स्वामी सरदास महाराज जी होर धर्मी गुलाटी कई सन जिन्होंने सानू आद धर्म का नाम दिता असी आद धर्मी हाँ साहब श्री गुरु रविदास महाराज के द्वारे उन्होंने नाम की होएगा कहते आद द्वारे असी इस बसिंदे जड़े धरती के हाँ आद बसिंदे हाँ साडा आद धर्मी हाँ असी
आदि तो धर्म करने वाले हैं किसी नाल जुल्म नहीं करते साढ़े ना भावें लख जुल्म हो लेकिन असं किसी नाल जुल्म नहीं किया इस करके साडा ग्रंथ श्री गुरु आप प्रकाश रतनागर सागर होएगा साडा धर्म नाम भी देता साडे ग्रंथ भी देते साडे आप द्वारे दे नाम भी संत दिते ने उन्होंने किन्हां ने डॉक्टर भीम राव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जदों साइमन कमीशन लाहौर विच आया सी उदों दे पास हो चुका है श्री गुरु आप प्रकाश महाराज क्योंकि ग्रंथां दी कोई भी समा हुंदा वक्त हुंदा उन्हां दी जद उजागरता हुंदी ना सूरज दी तरह प्रकाश होना क्यों लिखिया कहिंदे गुरु ने जो बचन लिखे है तो सच हो गए घर घर रचना आदि ग्रंथ की नाम लिए गुरु माहे खुद मालिक ते गुरु भी है आदि द्वारे रखाए जो बचन किए बिल्कुल अटल ते सच हो गए उन्होंने इस करके आओ सत संगत बारे की माणी सब प्रेरक सब हां ये साडे मन च भी सी सेवा च भी चक्की एक जे सारी संगत नु सी सारे लई शब्द बोलना क्यों जी तुसी बोलोगे सारी संगत बोलोगे शब्द मारे दी वाणी दा गाओगे कि नहीं ये सुभाग भरिया दिन है अब बड़ा भागा का दिन है जी सू इस मुख तो घर कई असं उलझना बह के किसी मंदा किसी चंगा सारा बोलते रहने कमाकारा बह रहे हैं साड़ी सुरती जी घर लगी रही है पर इतने आके कि कहते हैं रब न जुड़नी है परमात्मा का जस गाना है ये आओ सारे असं बैठ के गुरु महाराज की बाणी के जुड़िए जी सारे बोलियो पर असं बड़े सीधे भाव गाँगे सच संग जखीरा जी जिन्ना ने लाया ते सुख पाया सच संग जखीरा जी जिन्ना ने लाया ते सुख पाया सच संग जखीरा जी जिन्ना ने लाया ते सुख पाया सच संग जखीरा जी जिन्ना ने लाया ते सुख पाया संगत बैठी हो ना ये भी तरह तरह के रंग रंगीला बगीचा है इस बगीचे जो सिमरन करे परमात्मा की बंदगी करे सत्संग बैठी हो खुशबू आती जी सुगंध दुर्गंध तो नहीं आती दुर्गंध कितों आती कहती मंदे कर्मा चो मंदे कर्मा चो जो सच पूछे ना जोड़ा शरीर है ये स्वच्छ तंदुरुस्त सुंदर कंचन वर्गा ही अच्छा लगता है जब इस शरीर में कोई जख्म हो जाए जख्म ठीक ना होए उस जख्म तो इतनी भैड़ी बदबू आँदी इंसान खुद परेशान हो जाता है आँदी कि नहीं उसको कहते भैड़े कमां का फल कि आँदी कहते सुगंध तो नहीं आई भैड़े कमां का की आया कहते जख्म हो गया बदबू आई ज
जिहड़ी खुद तो भी सहन नहीं होंदी। पर साहिब जी लिखते ने सतसंग विचों बगीचे विचों नाम दी जदों कोई तारीफ करे ये बगीचे चो माली ने जिसने परमात्मा ने सारा बगीचा लाया जे उसका जस गाइए फेकी उहदा कहिंदे सुगंध कादी नाम दी सुगंध परमात्मा दी बंदगी दी सुगंध। पर लेंदे कौन है कहिंदे पूण दा ते भौरे दा रंग इक्को ही हुंदा है पर मौके ते पहचान हुंदी जिहड़ा पूण है उह गंदगी ते बैठ जांदा है जिहड़ा भौरा है फुल्लां ते बैठ जांदा है। कहते इंसान इसी तरह भूण की तरह है कोई इंसान गंदगी विच बड़े हुए ने ते कोई इंसान परमात्मा के नाम की सुगंध खुशबू नाम सिमत करके लै रहे ने। तां साहिब लिखते ने कि इस तरह साडे जीवन नूं गुरु महाराज लिखते ने सतसंग दिखी अगले भी ते पिछला भी मार्ग रास्ता साफ कर लिया नाम सिमरन की कमाई नाल कहिंदे सत्संग दा बगीचा ला के परमात्मा दे नाम दा हाथ ते पलत दे उपाद पाप कर्म सारे नस करके कंचन वर्गी देही आत्मा नूं लैके चादर जिहड़ी साडी इतने जन्मां तों पाप कर्मां नाल मैली होई धो के गुरु धोंदे ने किथे जांदी कहिंदे वेखो दो ही जगह दे पाप खत्म करके इस तों राहत होके आजादी पा के मुक्त पा के कहिंदे किसी ने 100 किलो भार चक्या होवे ना ते किलोमीटर चल के जावे उहनूं किदां दा महसूस हुंदा कहिंदा यार मैं हुण बोझ चक्या नहीं जांदा मैं सुट दवां इत्थे ते चंगा जब उस बोझ नूं थले सुट दिंदा है उस बोझ तों मुक्त हो जांदा ते कितना शरीर हल्का लगदा है। इसी तरह गुरु समझाउंदे ने वाणी दे विच वी लिखदे ने कहिंदे जद तक ये वजन पाप कर्मां दा तेरे उत्ते है जद तक तैनूं कष्टां दुख मुसीबतां हुंदियां ही रहणगियां। अगर तू ये बोझ गुरु दे घर दे विच आ के सारा बोझ पिछला पाप कर्मां दा ला देवे पर लाणा कितना जे इक चित हो के गुरु दे सत्संग विच बैठे तां पिछले भी अगले भी पाप कर्म तेरे फिर मुक्त होएगा। सच है कोई मनदा कोई नहीं मनदा जेड़ा मन गया वो कुछ खट गया जेड़ा नहीं मनिया कहते आ जा फिर घूम के उठे। तां साहिब जी लिखते ने हलत पलत के उपाद मिटाए ਕੋਟ
एक जुज हो गए तो फिर की होंदा है कहंदे दुनिया का आनंद दुनिया का रस काला रस कहर वदास राम रंग राता गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता शब्द ते सुरत दे एक जुज आपण ते बेड़ा संगत का भरिया होया असी ईश्वर दे अगे बेनती करिए कि ऐ गुरु इस बेड़े नू सदा अपने इस सागर तो दुनियादारी दे तो पार ला दे अपनी ऐसी कृपा करें असी तेरे नाल जुड़ जाइए भले कर करिए सत्संग दे विच हाजरी ना करिए महीने पिछों क्यों जी कहोगे सारे तुहाडी आत्मा मंदी है एक महीने पिछों तुसी सारे हाजरी लाया करोगे पहला ऐतवार है हुण जनवरी महीने का आना है ए सी लास्ट महीना साल का ते हुण आना है बारहवें महीने जी बारहवें अपने जनवरी महीने की आया ना जेठ ऐतवार पहला वो है सत तरीक का चेता रखोगे जी सारे याद रखे हो असी गए सी अपने परसाली गए तो संगत लै गई अगे तक परसाली गए संगत अगे मैं क्या तुम पिछले भंडारे को कहते नहीं आए कहते बाबा जी तो तरीकों कहते रहे सब चेता भुल गया मैं क्या भी चेता याद रखे हो असी ऐतकी साड़ी कमेटी बन चुकी पिछले महीने की असी ऐतकी तुहाडे सारे सेवा लई संगत की सेवा लई असी पोस्टर तकरीबन वड्डे कढाउणे ने पोस्टर जिन्हां दे उत्ते जनवरी तो लाके बारहवें महीने तक एक साल का वेरवा होएगा जिहड़ा भी ऐतवार महीने का पहला आएगा उहदी तरीक लिख के ताकि एक पिंड विच एक नगरी विच सतगुरां दे अरदास वाले दे द्वार जिते होणगे उत्थे लाया जाएगा पोस्टर उत्थे तरीक भी ते फोन नंबर भी तुहानूं लिखिया जाएगा किसी नूं भुलेखा होवे तां पुछ भी सकदा सो इस करके वो दिन जिहड़ा एक महीने का दिन ऐतवार तुसीं कदी ना भुलिया करो अगे ते अगे वधो ये सारा दीवान क्योंकि संतां दा स्वामी पिता गुरदास दास जी दे वचन है पूरा होना ही होना अज नहीं तां होर दो चार दस महीने तक जरूर होएगा जनवरी महीने जिहड़ी अगला महीना आना ना 2024 उस विच जरूर पूरा होएगा सारे याद रखियो हुम माके असी अपने जो गुरु ने सानू दिते ने साडी झोली च पाए ने भले कर्मां दे नाल जुड़े रहिए कोई असर करे कोई ना करे ये उहदी अपनी तमन्ना है मन है लेकिन असी सारिआं दे भले लई ये कार्य जिहड़ा कार है करदे ही रहना जिन्ना चिर साडा जीवन है उन्ना चिर भले कर्मां तों कदी असी पिछे नहीं हटना साडे लई भावें जिन्नीआं भी मर्जी मुसीबतां आउण सानू भावें कुछ भी औखे सौखे होईए साध संगत दे लई असी भला मंगण लई तां इह भले उपकार करन लई कदी भी असी बंद नहीं होवांगे साडा जीवन शाबर हो जाए संगत दे भले लई इस करके तुहानूं बेनती है कि जिहड़ा अगला आउणा ऐतवार जनवरी महीने दा आया 7 तरीक दा पोस्टर असी देखने की कोशिश करते घटावे सारे देख के पिंड में ला देना ताकि संगत हो घुमा के भरपूर महीने के महीने आया करे एक साल के 14 प्रोग्राम होया कर क्योंकि संत का गुरदास दास जी की बरसी भी आती है स्वामी सरदार महाराज का जन्म भी आता है वह भी मना है तो फिर ये 12 जोड़े प्रोग्राम ने सत्संग के आयोजन थोड़े सहयोग के नाल क्योंकि जी संगत ने एक सागर होंगे बूंद बूंद जोड़े तो तला सागर भर जाते हैं इस करके तुहाडे भले लई तुसीं संगत की सेवा लई जरूर इत्थे घड़ी कढ़िया करनी जी जरूर उदम करिया करो ये मन दे विच रखिया करो कि ये साडे लई एक महीने विच एक दिन गुरु दे द्वार नूं जाण लई आउंदा है एक दिन लई जे गुरु की संगत विच बैठोगे
साहब गुरु महाराज तुम आशीर्वाद देंगे तुहाडे घर दे 29 दिन जिहड़े गृहस्थी दे लाउंदे ने तुहाडी तंदुरुस्ती तुहाडीआं बरकतां कमां करां विच गुरु महाराज सहारा करनगे। सो इत्थे रसना भी करो जो बोले सो नरवै सतगुरु सरदार जी महाराज की जय। शब्द पढ़ लैंदे आ उस तों बाद समाप्ति कर देणी आ अरदास ते बेनती। कर कृपा करतार जी देना पाया संगत दाया सारे बोलो कर कृपा करतार जी देना पाया संगत दा कर कृपा करतार जी देना पाया संगत दा कृपा करतार जी मेरा भरिया संगत दा कर जुग माया घेरिया कर जुग माया घेरिया कर जुग माया घेरिया मार जी मेरा भरिया संगत दा होए न पार अपार जी मेरा भरिया कर कृपा करतार जी मेरा भरिया संगत दा कर कृपा करतार जी मेरा भरिया संगत दा। किस वेले कहा सी माने ने पता कोई शब्द असी कई बारी सुनिया के कर कृपा करतार जी बेड़ा भरिया संगत दा कलयुग ने मम घेरिया होए ना आर पार जी। स्वामी ईशरदास महाराज हिमाचल दे ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਕੁਲੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਲੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਦ ਮਾਇਆ ਆਈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਦਾਸ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧੰਨ ਮਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਦਾਸ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਏ ਇਤਨੀ ਇਹਦੀ ਦਿਲ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੇਹੂੰ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਐਸੀ ਇਸ ਕਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਏ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਪਰ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੋਲੀ ਜਾਓ ਲੱਭੀ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਹੱਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਅਗਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਗਰੂਰ ਹੰਕਾਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੂਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਜਦ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤਾ ਹਾਲਾਤ ਖਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ
मैं इन्हां दे भले लई मैं इक मैनूं कोई ताकत दे दिओ अपना आशीर्वाद जिहड़ा मेरे दे उत्ते भला करके उस ताकत शक्ति दे नाल श्री गुरु अर प्रकाश महाराज दी रचना कीती 32 साल पूरे लाए ने कादी खातर सानू आजादी देण लई सानू गुलामी तो मुक्त कराउण लई लेकिन अज असी फिर घुस घुस के उत्थे पड़दे हां जिथे सानू गुलाम है जिथे साडी तहीन होवे जिथे साडी कोई कदर ना होवे इह ते जुगां जुगां तों चले आ रहा अज भी असं होश नहीं करते कहते गुरु ने आद द्वारे बनाए ने कादी लई गलत तुहानू दे दिता क्योंकि जेड़ा अपने घर दे विच शांति आउंदी दूजे दे महलां विच भी तुहानू कदी नहीं मिलेगी नहीं तां तुसीं जाके देख लो एक दिन का कहिंदे प्रौणा दूजे दिन का घरौणा तीजे दिन का की हुंदा कहिंदे ददे मंगाउणा तुहाडी कदर किथे होणी कहिंदे हमेशा ही अपने गुरु दे द्वार वा जोर सत्कार तुहानू अपने गुरु दे द्वार मिलना चारे कुंडा घूम ले देख लो तुहानू मिलूगा जो तुहानू अपने बाप की जायदाद अपने बाप का मकान जो भी बाप हुंदा अपनी औलाद वास्ते सारा छड के जांदा कदे साडा हित कीता गुरु रविदास जी महाराज ने उदों किथे गए सी सारे ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀਭਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਛਾਪੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ 33 ਕੋਟ ਦੇਵਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 33 ਕੋਟ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਸਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਸ਼ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਮਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਪਰਮਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ Thank you.
सब संतान महात्मा गुरुआ की जय। सो आओ प्यारी सत्संग अरदास मारे दिन।